गाजीपुर जनपद में 25 दिन बाद एक और कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिला है। हालांकि उसकी जांच बीएचयू में हुई थी, इसकी सूचना बुधवार को स्वास्थ्य विभाग को मिली। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सादात के रहने वाले उक्त कोरोना संक्रमित को ट्रेस करने में लगे हुए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जनपद में पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसको लेकर जिला अस्पताल में 10 बेड का अलग से वार्ड भी बनाया गया है। अब तक जनपद में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 21,653 पहुंच गई है। इसमें से 283 लोगों की मौत हो चुकी है, एक संक्रमित है और शेष लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इससे पहले 4 दिसंबर को जखनिया क्षेत्र की एक महिला संक्रमित मिली थी, जो अब स्वस्थ हो गई हैं। जिला प्रतिक्षरण अधिकारी डॉक्टर उमेश कुमार ने बताया कि उक्त कोरोना संक्रमित से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उसे ट्रेस करने की कोशिश हो रही है, उसे होम क्वारंटाइन किया जाएगा। जिले में कोरोना का प्रभाव फिर से बढ़ रहा है, लेकिन स्थानीय बाजार के अलावा औडिहार, खानपुर, रामपुर, बिहारीगंज आदि प्रमुख बाजारों में कोरोना के प्रति लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी जागरूकता से भी लोग परहेज कर रहे हैं। दुकानों पर लोग भीड़ लगाकर सामान आदि खरीद रहे हैं। ऐसे में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल सकता है और लोग संक्रमित हो सकते हैं। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।